नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु, सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुद्दा हिजबुल्ला, सीज फायर की मांग पहली बार की गई है, आखिर मायने उसके क्या हैं? और वो भी आपको बताएं कि गाजा में बिना जंग रोके ही सीज फायर की मांग की गई है हिजबुल्ला के द्वारा, क्या मायने हैं, जानते हैं सीधे प्रशांत से। देखिए ऋतु, दरअसल हिजबुल्ला लगातार नुकसान हो रहा है, या कहें कि उसके एक के बाद एक तीन जो प्रमुख हैं वो मारे गए। नसरल्लाह सबसे पहले मारा गया, जो नई ताजपोशी हुई उसको भी इसराइल ने मार गिराया 24 घंटे के अंदर। इसके बाद तीसरी ताजपोशी हुई हिजबुल्ला के प्रमुख की, उसे भी इसराइल ने ध्वस्त कर दिया, मार गिराया। या कहें कि इसराइल ने एक संदेश दे दिया यहाँ पे कि जो भी हिजबुल्ला की संगठन की पोजिशन पर बैठेगा या लीड करेगा उसका दफन होना तय है, ज़मीन में दफन होना तय है। अब ये समझिए कि हिजबुल्ला ने सीज फायर की अपील की क्यों है। दरअसल इसके ये माना जा सकता है कि इसराइल के लगातार हमले हिजबुल्ला की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, कहीं ये भी मायने हैं इसके। बिल्कुल वाकई ये बहुत बड़ी वजह है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है ये, एक साल पहले जब दरअसल हमास पर हमले शुरू किए थे इसराइल ने, उसी के समर्थन में, या कहें कि हमास के समर्थन में हिजबुल्ला ने इसराइल पर टारगेट करने शुरू किए थे, हमले करने शुरू किए थे। और अब एक साल लगभग उस हमास और इसराइल के हमले को एक साल पूरा गुजर चुका है। दूसरा, एक तरफ हमास को लगभग ध्वस्त कर चुका है इसराइल, आखिरी या कहें कि सुरंगों में हमास बचा हुआ है, लेकिन अब हिजबुल्ला टारगेट है लगातार इसराइल के। लगातार अब ज़मीनी ऑपरेशन हो रहे हैं, हवाई हमले लगातार किए गए, नसरल्ला को ख़त्म किया गया। अब हिजबुल्ला को लगता है कि अगर यहाँ सीज फायर होता है तो उसे दोबारा संगठित होने का मौका मिलेगा, दोबारा खड़े होने का। पहली बार आप देख रहे हैं प्रशांत, इस तरह की बात हुई है, सीज फायर की बात हुई है, किसी तरह का दबाव भी हमारे अमेरिका का किसी तरह का दबाव हिजबुल्ला पर? अमेरिका का दबाव हिजबुल्ला पर नहीं हो सकता। हिजबुल्ला एक सबसे बड़ा, हिजबुल्ला के को लेके जो धारणा बनी थी अभी तक वो ये थी कि हिजबुल्ला सबसे बड़ा वो आतंकी संगठन है जिसके पास 1,00,000 लड़ाके हैं, सशस्त्र लड़ाके, आधुनिक हथियार उस संगठन के पास हैं, उस संगठन के पास आधुनिक मिसाइलें हैं, यानी उसके पास आधुनिक हथियार हैं। वो ऐसा हिजबुल्ला जो आतंकी संगठन था, अगर हम कहें तो किसी सेना के समान था वो संगठन। वो कहते हैं कि वो सीधा इसराइल को टारगेट करता था, वो इसराइल को चुनौती देता था, लेकिन आज अगर वो सीज फायर वाली पोजीशन पर आया है, सीज फायर की अपील कर रहा है, तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। उससे भी बड़ी बात वो कह रहा है कि कोई आप हमास पर जंग मत रोकिए, लेकिन सीज फायर करिए। उसका जो मेन उद्देश्य था इसराइल से भिड़ने का, इसराइल से उसकी कोई सीधी दुश्मनी नहीं है, इसराइल से कोई दुश्मनी नहीं उसकी, उसका समर्थन हमास के लिए था। हमास पर जब इसराइल ने हमला किया तब उसने इसराइल को टारगेट करना शुरू किया था। आज स्थिति बदली है, अब क्या होगा, इसराइल क्या कहता है। हालांकि एक और बयान आया था जब नसरल्ला मारा गया था, तब हिजबुल्ला की तरफ से ये कहा गया था कि नसरल्ला ने खुद सीज फायर की पेशकश की थी। तो अब ये ज़रूर समझना होगा, देखना होगा कि बावजूद इसराइल लगातार टारगेट करता रहा, क्या इसराइल अब यहाँ पर सीज फायर के लिए एग्री होगा क्या? चूंकि नेतृत्व की कमी भी मान सकते हैं हम, नेतृत्व की कमी की वजह से। देखिए, इसराइल लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्ला की कुर्सी पर, हिजबुल्ला के चीफ की कुर्सी पर जो भी बैठेगा उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब हिजबुल्ला को लग रहा है कि कोई दूसरी रणनीति अपनाई जाए अपने आप को संगठित करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, ताकि दोबारा पलटवार किया जा सके। अमूमन जो आतंकी संगठन होते हैं वो ये रणनीति अपनाते हैं, और संभव है कि हिजबुल्ला भी यही रणनीति अपना रहा है। चूंकि इसराइल केवल जो हवाई हमले हुए थे मिसाइलों से, 170 मिसाइलों से जो हमले किए थे इसराइल ने, वो नहीं बल्कि करीब 2100 से ज़्यादा जो आतंकी हैं हिजबुल्ला के वो मारे जा चुके हैं, तीन लीडर्स मारे जा चुके हैं, ज़मीनी ऑपरेशन अभी भी जारी हैं। इसराइल का पूरा टारगेट है कि हिजबुल्ला को ज़मीन पर ख़त्म किया जाए। अब कोशिश यही है कि कैसे ज़मीन पर बचा जाए, लेकिन फिर एक बात कहेंगे कि जो हिजबुल्ला है उसे आप पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, हमास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, आपने कमज़ोर कर दिया। हो सकता है कि 2 साल 4 साल 5 साल बाद हमास फिर उठ खड़ा हो। अगर आप ज़मीन पर बिल्कुल कमज़ोर भी कर देंगे तो वही स्थिति हिजबुल्ला की भी होगी। हो सकता है कि 2 साल 4 साल 5 साल अगर सीज फायर हो गया तो फिर मजबूती के साथ हिजबुल्ला उठ खड़ा होगा, यानी फिर नासूर वाली स्थिति इसराइल के लिए। अभी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, बचाने के लिए भी हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बड़ी मांग की गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, इसीलिए मांग की गई। लेकिन
थोड़ा सा इसराइल की परिस्थिति भी समझ लीजिए, 8 मोर्चों पर इसराइल फाइट कर रहा है। 8 मोर्चे अगर हम आपको गिनाएं तो वो 8 मोर्चे वाकई और चुनौतीपूर्ण हैं। पहला फ्रंट, अगर 8 फ्रंट, पहला फ्रंट है गाजा पट्टी, तेल अवीव से गाजा की पट्टी जो है लगभग 90 किलोमीटर दूर है। दूसरा फ्रंट है वेस्ट बैंक। तीसरा फ्रंट अगर हम बात करें लेबनान। चौथा फ्रंट बहरीन। मतलब ऐसे अलग अलग देश चारों तरफ से घिरा हुआ है और हर जगह से उसे खतरा ही है। ऐसा नहीं कि कहीं से उसे कोई सपोर्ट हो। इस मद्देनज़र वो किसी भी सूरत में डिफेंसिव मोड या सीज फायर वाली स्थिति में तो नहीं लगता कि इसराइल शायद आए या उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। तो फिलहाल हिजबुल्ला का ये केवल प्रपोजल मानिए आप। ठीक, देखना होगा कि आखिर सीज़ फायर की मांग तो की गई है, वो भी पहली बार बिना गाज़ा में जंग रोके। देखने वाली बात होगी इस पर क्या होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही आज के लिए।